दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भारती स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बाजार पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, कम पूंजी में शुरू हो सके। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो 12 ही महीना चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है कि कैसे आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत में स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का बिज़नेस है, किस प्रकार से रॉ मटेरियल आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है सीमेंट ईंट बनाने की मशीन है, मैनुअल मशीन है। इस मशीन को आप घर के सिंगल फेस लाइट से ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर बात करें ब्रिक्स बनने की, अगर हम इसके अंदर सीमेंट ईंट की, तो एक बार में 4 सीमेंट ईंट बन करके तैयार होती है। बात करें हम इसके अंदर रॉ मटेरियल की, तो आपको सीमेंट लेना होगा, डस्ट लेना होगा, फ्लाई ऐश लेना होगा, गिट्टी लेना होगा और रेत, पानी, 4 से 5 प्रकार के रॉ मटेरियल से आप इसके अंदर सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसके अंदर सीमेंट ईंट बनाई है, इस प्रकार की सीमेंट ईंट बन करके तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके अंदर डाई चेंज करके 9-4-3 की, 9-4-6 की, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना करके तैयार कर सकते हैं। आपके गाँव क्षेत्र में किस प्रकार से सीमेंट ईंट चल रही है, उस प्रकार से आप डाई चेंज करके स्किनर बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हैंड प्रेस मशीन है, आसानी से ऑपरेट हो जाती है। इसके अंदर अगर हम लेबर की बात करें तो महज 3 से 4 लेबर की इसके अंदर आवश्यकता होती है और गाँव में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें इसके नेक्स्ट मशीन की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन है। इसके अंदर एक बार में 4 सीमेंट ईंट बनकर के, दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप एक बार में 4 सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। इस मशीन को आप घर की सिंगल फेस लाइट से चला सकते हैं। बात करें हम इसके अंदर प्रोडक्शन की, तो पर डे आप इसके अंदर 3 से 3,500 सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिक्सर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का आपको मिक्सर मिल जाएगा, हांडा मिक्सर मिल जाएगा, पान मिक्सर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर मैनुअल मशीन से लेकर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मशीनें उपलब्ध हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं मैनुअल मशीन है, इसके अंदर हम 4 भी डाई लगाकर देते हैं। 4 डाई लगानी है, 6 डाई लगानी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंदर एक बार में 3 सीमेंट ईंट बन करके तैयार होगी। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये भी हाइड्रोलिक मशीन है, एक बार में इसके अंदर 2 सीमेंट ईंट बन करके तैयार होगी। ये मैनुअल मशीन है, जो हमने वो मशीन दिखाई थी उसके अंदर 4 सीमेंट ईंट बन करके तैयार हो रही थी। इसके अंदर जो सीमेंट ईंट बन करके तैयार होगी वो 6 बन करके तैयार होगी, क्योंकि इसके अंदर जो डाई लगी हुई है वो 6 की लगी हुई है। इसके अलावा ये भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी 6 की डाई लगी हुई है, तो इसके अंदर भी 6 सीमेंट ईंट एक बार में बन करके तैयार होगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैनुअल मशीन है, इसके अंदर एक बार में 4 सीमेंट ईंट बन करके तैयार होगी। दोस्तों बात करें ये जो सीमेंट ईंट बन करके तैयार हुई, इसकी बनने की कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो एक जो सीमेंट ईंट बन करके तैयार होती है ये मात्र 3 से 3.5 रुपये में बन करके तैयार होती है। जब आप इसे आगे सेल करोगे तो ये 6 से 7 रुपये की बिकेगी, कहीं जगह 8 रुपये की, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस अलग अलग होती है। पर डे अगर आप 3 से 3,500 सीमेंट ईंट भी बनाओ और एक सीमेंट ईंट पर 1 से 1.5 रुपये मुनाफा लेकर भी चलो, तो भी आपको मुनाफा होने वाला है 3 से 3,500 सब कुछ खर्चा निकालने के बाद। अब बात आती है लोकेशन की, तो लोकेशन के लिए आपको 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता रहेगी। कहीं भी आप, जैसे खेत हुआ, गांव में, शहर में, देहांत में, इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो रॉ मटेरियल से भी दोस्तों अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होने वाला बिजनेस है। दोस्तों सब कुछ हो गया, पर अब बात आती है इसकी शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत के लिए आपको GST नंबर लेना होगा, वो आप हमारी कंपनी से ले सकते हो। GST नंबर लेकर के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करें मशीन की प्राइस की। ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है 55,000 की मशीन है, GST ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा है। अगर आप दूसरी मशीन लेंगे जैसे हाइड्रोलिक लेंगे तो 1,30,000 की मशीन आएगी। अलग अलग टाइप की मशीनें हैं तो अलग अलग उनकी प्राइस रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वो सवाल है। डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।